उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खां कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति पर लगातार डॉक्टर नजर रखे हुए हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज बुधवार दोपहर मेदांता अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि कल की तुलना में आज आजम खां की ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार आया है। आजम खान में आज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई है, वो भोजन ले रहे हैं, हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे अहम है, मेदांता की पूरी टीम उनका ध्यान रख रही है। आजम खां साहब और उनका पुत्र 9 मई को सीतापुर जेल से हमारे मेदांता लखनऊ में एडमिट किए गए। उनका लड़का पूरा स्वस्थ है। आजम खां साहब जब भर्ती हुए थे तो उस समय उनको मॉडरेट डिजीज थी और वो 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन के उनका सेचुरेशन मेंटेन हो रहा था और बाइलेटरल लंग में कोविड निमोनिया था। 2 दिन में उनकी सीवियरिटी और डिजीज बढ़ी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जब बढ़ा तो हमें उन्हें आईसीयू में अपनी डॉक्टर्स की टीम की गहन निगरानी में उनको हमने शिफ्ट किया। आज के दिन उनमें थोड़ा सा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हुई है, वो भोजन उसे ले रहे हैं, स्टेबल है, परंतु क्योंकि डिजीज अभी सीवियर डिजीज मानी जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जो होता है उस हिसाब से वो ट्रीट करे जा रहे हैं। आने वाले 72 घंटे थोड़ा सा क्रिटिकल रहेंगे और उसी में सुधार अगर हो जाता है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हम समस्त मेदांता के डॉक्टर्स की टीम उनका पूरी तरह ध्यान रख रही है।